Today, we will start chapter 20, Area and Perimeter of Plane Figures. Area and Perimeter of Plane Figures. From Salina Concise, from for class 9th. देखो बेटा, इसमें जो सबसे पहला टॉपिक है वो ट्रायंगल के बेस पे है. फर्स्ट एक्सरसाइज जो है दैट इज बेस्ड ऑन ट्रायंगल. एरिया का मतलब क्या होता है? सरफेस. पेरीमीटर का मीनिंग क्या होता है पता है पीयूष? टोटल लेंथ ऑफ आउटर बाउंड्री ऑफ अ क्लोज. टोटल लेंथ ऑफ आउटर इट्स बाउंड्रीज आउटर बाउंड्रीज ऑफ अ क्लोज्ड फिगर दैट इज कॉल्ड पेरीमीटर. अब ट्रायंगल है बेटा, ट्रायंगल का जो एरिया का कॉमन फॉर्मूला है जो सब सारी टाइप की ट्रायंगल्स के लिए एप्लीकेबल है, that is half into base into height. A B C, यहां से altitude draw कर लो. D, जिस side पे बच्चे perpendicular drawn है that is called base. Half, अब AD जो perpendicular है BC पे drawn है ना, तो BC is the base and AD is the perpendicular. Okay, अगर बच्चे यहां से altitude drawn हो तो AC बेस हो जाएगा, BE परपेंडिकुलर हो जाएगा. यस सर. हाफ इंटू AC इंटू BE. अगर बेटा इस साइड से एल्टीट्यूड ड्रॉन हो तो AB बेस हो जाएगा. मतलब वो डिपेंड करता है कि हमें कौन सी वैल्यूज गिवन है. ये वाला एल्टीट्यूड ये बेस गिवन है कि ये बेस और ये एल्टीट्यूड गिवन है. ठीक है, हाफ AB बेस लेंगे तो उस पर एल्टीट्यूड, जो एल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर दैट इज द सेम थिंग दैट इज CF. ओके पेरीमीटर. चलो पहले मैं बाकी टाइप की ट्रायंगल्स का एरिया भी कर दूं. सेकंड, ये तो स्केलिंग ट्रायंगल के लिए या ऑल टाइप ऑफ ट्रायंगल्स के लिए एप्लीकेबल है. उसके बाद आ जाते हैं बच्चे राइट एंगल ट्रायंगल. राइट एंगल ट्रायंगल का मीनिंग इन विच वन एंगल इज ऑफ 90 डिग्री. ट्रायंगल इन विच वन एंगल इज ऑफ 90 डिग्री. इसके अंदर बेटा एरिया हाफ बेस BC, हाइट AB होगा बेटा. AB, दिस इज द एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल. यस सर. तीसरा आते हैं बच्चे इक्विलेटरल ट्रायंगल. इक्विलेटरल ट्रायंगल पता है ना आपको कौन सी ट्रायंगल होती है? इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल. ईच साइड को A लेट कर लेते हैं बच्चे. एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है √3/4 इनटू साइड स्क्वायर. याद रखना है बेटा इसको. एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला √3/4 साइड स्क्वायर. अब जो लास्ट अपॉन 4. हां जी बेटा, √3. 3 के ऊपर रूट है सिर्फ, 4 के नीचे नहीं, ऊपर नहीं है. इसके बाद आ जाते हैं बच्चे आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया. आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच टू साइड्स आर इक्वल. यस सर, दो साइड्स इक्वल है. इसको ए ले लो बेटा, इसको बी ले लो. ये दो जो साइड्स इक्वल है उनको ए लेट किया बेटा, तीसरी साइड को बी लेट किया है. तो इसके अंदर जो एरिया का फॉर्मूला होता है बच्चे 1/4b √4a² - b² - b² याद रहेगा? यस सर. कर लोगे ना याद? हाँ सर. एक सेकंड. नेक्स्ट वन बेटे, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया आ गया बेटा हमारे पास. इसके बाद बच्चे पेरीमीटर क्या होता है? टोटल बाउंड्री. मतलब जैसे स्केलिंग ट्रायंगल है, इसके अंदर पेरीमीटर क्या हो जाएगा? ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए. इसके अंदर इसके लिए भी यही होगा बेटा. हाँ, इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या बनेगा? ए प्लस ए प्लस ए.
थ्री ए हो जाएगा ना, थ्री इंटू साइड, हाँ थ्री इंटू साइड या थ्री ए, साइड को ए से नोट किया है। Yes, अब sir. इसके अंदर बच्चे पेरीमीटर क्या होगा, a प्लस बी, दैट इज टू ए प्लस बी, दैट इज द पेरीमीटर ऑफ दिस ट्रायंगल। आया समझ? हाँ, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वो सब में लगेगा बेटा, वो कॉमन फॉर्मूला है, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, सब सारी ट्रायंगल्स में हम अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से एल्टीट्यूड ड्रॉ कर दिया, ए सी बेस हो जाएगा, ये एल्टीट्यूड हो जाएगा, इसमें बच्चे ये बेस हो जाएगा, ये हाइट हो जाएगी, ठीक है। हाइट और परपेंडिकुलर इज द हाइट, परपेंडिकुलर एल्टीट्यूड इज द सेम थिंग, ओके। हाँ सर। नाउ एक फॉर्मूला रह गया बेटा, हीरोन्स फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला रह गया? हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला कब यूज होता है सर? जब तीनों साइड्स गिवन होती है ट्रायंगल की। यस, वेरी गुड। व्हेन ऑल द थ्री साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर गिवन, ऑल द three sides of a triangle are given. Triangle hai, iski teen sides, ek side A, ek side B, ek side C. S beta, A plus B plus C upon 2. A plus B plus C upon 2. S kya hota hai, Piyush? Semi-perimeter. Very good. Semi-perimeter. मतलब पूरे तीनों साइड्स का सम अपॉन टू। उसके बाद एरिया का जो फॉर्मूला होता है, दैट इज रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ये होता है बच्चे। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। हाँ सर। एक्सरसाइज 20A, फर्स्ट सम। फिगर बच्चे जरूर बनानी है ईच एंड एवरी सम में, हमने हर एक सम में फिगर कंपल्सरी बनानी बनानी है। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हूज साइड्स आर 18, 24 एंड 30। रफ फिगर होगी, नेमिंग कर देंगे एबीसी। हमें तीनों साइड्स गिवन है, एक साइड 18 ले लो बेटा, एक साइड 24 ले ली, एक साइड 30 ले ली। क्या बोला है फर्स्ट पार्ट में उन्होंने, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हूज साइड्स आर दिस दिस। तीनों साइड्स पता है ना? Yes, sir. तो इसका एरिया निकल जाएगा बेटा हीरोन्स फॉर्मूला से। हीरोन्स फॉर्मूला, ए प्लस बी प्लस सी, पहले फॉर्मूला लिखेंगे, अपॉन टू, एस की वैल्यू ए 18 है, बी 24 है, सी 30 है, अपॉन टू, एस की वैल्यू 8 4 12, वन कैरी, 4 2 6 1 7, अपॉन टू, 72 अपॉन टू 36। सेमी पेरीमीटर कितना आ गया बेटा? 36 सेंटीमीटर आ गया। के बाद एरिया फॉर्मूला लिखेंगे, रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। रूट एस की वैल्यू बेटा 36 आई है, 36 माइनस 18, 36 माइनस 24 एंड 36 माइनस 30 एज लाइक 36 में से 18 माइनस किया 18, 36 में से 24 माइनस किया 12, 36 में से 30 माइनस किया 6। रूट इसको बच्चे चाहे तो प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, चाहे सीधा ऐसे मैं 6 इंटू 6 लिख दूं, 18 को 6 इंटू 3 लिख दूं बेटा, 18 को 6 इंटू 3 लिख दिया, 12 को 3 इंटू 2 इंटू 2 लिखना पड़ेगा, एक 6 ऑलरेडी पड़ा है, एक सिक्स, सिक्स टोटल सिक्स कितने हैं? फोर है ना, तो दो सिक्स बाहर आ जाएंगे, एक थ्री बाहर आ जाएगा और एक टू बाहर आ जाएगा। एरिया आ गया बेटा हमारे पास 36 टू 72, 72 इंटू 3 सर 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया में स्क्वायर आता है बेटा, यूनिट में। ठीक है। आल्सो उन्होंने सेकंड पार्ट क्या पूछा है इसमें, Also find the length of altitude corresponding to the largest side. Largest side कौन सी है इन तीनों में से? Sir 30. तो AC. इस पे जो altitude है वो find करना है। मैं AD ले लेता हूँ। Area आ गया बेटा। ये किसका area है? इस triangle का ही area है ना? जो area of triangle का common formula था वो यहाँ पे लिख देंगे। Half into base into height. Right. 216. Half
बेस कौन सी साइड लेंगे सर? एसी। यस 30 है ना, क्योंकि उन्होंने लार्जेस्ट साइड पे पूछा था ना। हाइट एज लाइक 216, हाइट बेटा फाइंड करनी है हमने। 216 टू ऊपर जाएगा, 30 नीचे आएगा, कट करो 10 7 2। और कट करने की जरूरत नहीं है बेटा, क्योंकि पूरा पूरा कट नहीं होगा। अगर 10 नीचे है तो हम सीधा डेसिमल लगा सकते हैं। सर हम इसको ऐसे भी कट कर सकते हैं ना, 30 और 216 को 3 से। 3 से ही कट किया बेटा मैंने सर, लेकिन सर मैं ऊपर की स्टेप में बोल रहा था, ऊपर की स्टेप में। हाँ सर ऐसे सीधा नहीं काट सकते बेटा, नीचे लेके जाएंगे। ओ यस सर, ठीक है। हाँ सर, सर क्योंकि तो मैंने सर की काट दिया था ना। हाँ काट सकते हैं बेटा, पर नहीं काटना तुमने, तुम नीचे ही लेके जाओगे। ओके सर, नाउ सेकंड सम बच्चे। The length of side of triangle. Triangles की जो sides हैं बेटा, वो किस रेशो में है? 3:4:5। तो एक साइड को 3x ले लेंगे, एक साइड को 4x, एक साइड को 5x लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है, पेरीमीटर गिवन है। यहाँ पे प्रॉपर वे से लिखेंगे, लेट ए बी, पेरीमीटर सेंटीमीटर में है ना, तो 3x सेंटीमीटर लिखना मत भूलना। लेट BC 4x सेंटीमीटर, AC 5x सेंटीमीटर। अब पेरीमीटर गिवन है बेटा हमें, यस सर, 144 सेंटीमीटर। पेरीमीटर इज AB प्लस BC प्लस CA, यस सर, 144। AB की लेंथ 3x है, BC 3x की 4x प्लस 5x इक्वल्स टू 144। ऐड करो बेटा इनको, 5499 144। कॉपी तो नहीं खोल रखी? नहीं सर। ओके तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 12 आ गई बेटा। यस सर, यहां पे तीनों में फिल करो, तीनों साइड्स आ जाएंगी। देयरफॉर यहां सेंटीमीटर डाल देना। AB 3x था बेटा हमारे पास, 3 × 12 36 सेंटीमीटर। BC 4x, 4 × 12 48 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर। CA 5x, 5 × 12 60 सेंटीमीटर। तीनों साइड्स आ गई बेटा हमारे पास। उसके yes, बाद एरिया बोला है, एरिया के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे सर? हीरोंस फॉर्मूला। इसके बाद कर लोगे, हीरोंस लगा लोगे बेटा? हाँ सर। ना करूं क्या सर? अपने आप कर लोगे ना आगे? ना करूं बच्चे मैं? हाँ, इसको आगे सॉल्व। यस सर, थर्ड सम। थर्ड सम, ABC is a triangle in which AB is equal to AC is equal to 4 and angle A 90. देखो राइट एंगल, क्योंकि एंगल A 90, BC कहीं पे मर्जी ले लो बेटा, चाहे B यहां ले लो, चाहे B यहां ले, मैंने यहां ले लिया, ये एंगल 90। हमें AB गिवन है 4, AC गिवन है 4। कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। देखो ये 90 है ना, राइट एंगल ट्रायंगल है, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट लग जाएगा बच्चे। हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, यस सर। कितना आ गया एरिया? 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर बेटा, एरिया में स्क्वायर होता है हमेशा सर, स्क्वायर ही बोलना था लेकिन बार-बार क्यों भी ध्यान में आ रहा है। ओके, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए टू बीसी, ए से बीसी पे परपेंडिकुलर ड्रॉन है बेटा, इसकी लेंथ फाइंड करनी है AD की। इसको कैसे करेंगे? देखो एरिया आ गया बेटा, एरिया आ गया ना सर, हाफ बेस बेटा BC को ले लेंगे, क्योंकि BC फाइंड करना है। नहीं सॉरी, एरिया को यहीं पे छोड़ दो, पहले BC फाइंड करेंगे। BC कैसे फाइंड होगा बता सकते हो बेटा? पाइथागोरस से। BC स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बाय यूजिंग। मैं पहले वाले वीडियोस देख रहा था ना सर, आपने जो पहले डाल रखे थे। BC स्क्वायर AB 4 है बेटा,
4 का स्क्वायर 16, AC 4 का स्क्वायर 16, BC स्क्वायर 32 आ गया बेटा, BC की वैल्यू क्या आ गई, स्क्वायर बिकम स्क्वायर रूट, 32 के फैक्टर्स बनाओ बेटा, 2, 16, 4 into 4 लिख देंगे, 4 बाहर आ गया बेटा, 4 under root 2 सेंटीमीटर, that is the value of BC, BC की वैल्यू आ गई, अब बच्चे फिर से एरिया हमें गिवन है, कितना गिवन है, 8, गिवन नहीं था सॉरी, हमने फाइंड किया था बच्चे, 8, हाँ सर, हाफ, 8 सेंटीमीटर, बेस अब कौन सा, क्योंकि हमने AD फाइंड करना है, BC पे जो एल्टीट्यूड है ना उसकी लेंथ फाइंड करनी है, BC 4 root 2 बेटा, बेस 4 root 2 लेंगे, हाइट AD हो जाएगी, AD, यस सर, AD अपने प्लेस पे रहेगा, किसके इक्वल लिखूं पीयूष, सर, 8, 8 इनटू 2 अपॉन 4 अंडर रूट 2, 4 से 8 कट गया, 2 आ गया, yes, कितना आ गया, 4 अपॉन रूट 2 आ गया, 4 अपॉन 2, नीचे इनटू अंडर रूट 2 इनटू अंडर रूट 2, वेरी गुड, 4 रूट 2 अपॉन 2, ये कट गया बेटा, 2 आ गया, तो AD की लेंथ कितनी आ गई हमारे पास, 2 रूट 2 अंडर रूट 2, 2 सेंटीमीटर आ गया, ये आंसर आ गया बच्चे हमारे पास, ठीक है, यस सर, फोर्थ सम बेटा, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन है, पेरीमीटर फाइंड करना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे, इसका एरिया गिवन है ना, यस सर, 36 रूट 3 स्क्वायर सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर इज द सेम थिंग, इक्विलेटरल ट्रायंगल इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल, ए ए ए, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का बेटा, सर, अंडर रूट 3 अपॉन 4, ए स्क्वायर ना, यस सर, 36 रूट 3, ए स्क्वायर एज लाइक 36 रूट 3, 4 ऊपर चला जाएगा, रूट 3 नीचे आ जाएगा, ठीक है बच्चे, सर, रूट 3 से रूट 3 कैंसिल, ए जो स्क्वायर है वो क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट बन जाएगा, यस सर, ये पता चल गया ना स्क्वायर रूट कैसे आया पीयूष, हां सर, 6 into 6, 4 6 को बेटा 2 into 2, 2 into 2, एक 6 और एक 2 बाहर आ जाएगा, वेरी गुड, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, सर, 12 सेंटीमीटर, साइड आ गई, बट उन्होंने साइड तो बोला नहीं था फाइंड करने के लिए, उन्होंने क्या बोला था, पेरीमीटर, पेरीमीटर किसके इक्वल होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल का, सर, 3 into साइड, 3a, 3 into a हम फाइंड कर चुके हैं, 12, तो पेरीमीटर कितना आ गया हमारे पास, 12 3s are 36 सेंटीमीटर, नाउ द फिफ्थ सम, सर, हां जी बेटा, सर, इसका पेरीमीटर हम 12 प्लस 12 प्लस 12 भी करके फाइंड कर सकते हैं ना, 3 टाइम्स, हां जी, वो तो पता ही है बच्चे, तीनों साइड्स का सम, पर ज्यादा बेटर ये होगा कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में हम 3 इनटू साइड लगाएं, हां सर, ओके, ठीक है सर, नाउ द फिफ्थ सम, find the area of an isosceles triangle with perimeter given, isosceles triangle draw kar li, iska perimeter given hai beta hame kitna, 36 cm and base given hai 16 cm, isosceles ki do sides equal hoti hai na beta, aa ye b hai, perimeter ab plus bc plus ca is equal to 36, yes or no, yes push? Sir, AB, sir, is A, BC is 16, CA is A, 36, A plus A, 2A plus 16 is equal to 36, 2A kiske equal, 36 minus 16, 2A beta kiske equal, 36 mein se 16 minus kiye 20, A ki yes, value sir. Kya aagayi, 20 upon 2, 10, ए 10 सेंटीमीटर आ गया, पीयूष एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल का फॉर्मूला बोलो बच्चे, सर एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, हाँ, 1 अपॉन 4 बी इनटू सॉरी सर इनटू नहीं 4 रूट ए स्क्वायर अंडर रूट 4 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यस बच्चे ये आ गया,
सर अब बच्चे यहाँ पे वैल्यूज फिल कर दो. देखो b की वैल्यू हमें पता है, a हमने फाइंड कर लिया 1/4 b के प्लेस पे 16 बेटा 4 yes, a की वैल्यू 10 आई है 10 स्क्वायर b की वैल्यू 16 अब 4 से ये कट गया 4 आ गया रूट में बेटा 10 का स्क्वायर 100 into 4 400 16 का स्क्वायर 256 4 रूट 144 बच्चे 4 into 12 48 सेंटीमीटर दैट इज द एरिया. ओके सर एरिया है तो स्क्वायर लगेगा ना. वेरी गुड. हां जी बच्चे एरिया है तो स्क्वायर लगेगा. नाउ द सिक्स्थ सम बच्चे क्वेश्चन नंबर सिक्स. बेस ऑफ एन आइसोसेलस ट्रायंगल इज 24. एंड एरिया गिवन है हमें. फिर से आइसोसेलस है बेटा ये साइड्स ए ए ये बी. अब एरिया गिवन है. पहले क्या था हमें पैरिमीटर दिया था हमने एरिया फाइंड करना था. अभी हमें एरिया दे दिया पैरिमीटर फाइंड करना है 192 सेंटीमीटर स्क्वायर. नेमिंग कर दो एबीसी. देखो फिगर जरूर बनानी है बच्चे. ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज 192. ए बी की वैल्यू ए बी सी 24 सी ए इज आल्सो ए 192. ए प्लस ए 2a 24 को बेटा उस साइड जाके माइनस कर दो. 2a किसके इक्वल 12 में से 4 गए 8 8 में से 2 गए 6 168 एंड ए वी गेट 168 अपॉन 2 84 सेंटीमीटर आ गए बेटा ए. यस सर. नाउ वी हैव टू फाइंड द पेरीमीटर. सही है बोलो सर. 84 सेंटीमीटर स्क्वायर है. पीयूष तेरा ध्यान कहाँ पे है. तुम्हारा ध्यान कहाँ पे है बच्चे. सर वो मैं मेरे भाई का पैर दर्द हो गया था. सर वो मेरे भाई का पैर में अभी स्वेलिंग आ गई अचानक से. वो देख रहा था कैसे हो गया. ये क्या गिवन है हमें सर. एरिया. तो मैंने ये क्या लगा दिया था. पैरीमीटर लगाया था सर. आपने क्या लगाया. पैरीमीटर लगा दिया. हाँ सर. सर वो मैं देख रहा था तेरे को. सर वो मैं 2 मिनट मेरे भाई के. हाँ बस ऐसे ही होता होता है. कंसंट्रेशन भंग हुई और गड़बड़ हो गई. नहीं सर उसको अभी अभी लगी. जस्ट अभी अभी लगी. वो यही पे मेरे पास में बैठा है. बोला कि भाई मुझे लग गई चोट. अच्छा। वही देख रहा था कैसे लगा. ओके ऐसे होगा बेटा. एरिया की जगह एरिया का फॉर्मूला लगेगा. पेरीमीटर का नहीं लगा सकते. 1/4 बेस हमें गिवन है 24. रूट ए हमें नहीं पता. ऐसे रहेगा. बी के प्लेस पे 24 आ जाएगा. यस सर. फिजिकल टू 192. इससे ये कट कर दिया 6 आ गया. रूट 4 स्क्वायर 24 का स्क्वायर 576 192 मल्टीप्लाई है कहाँ चला गया. नीचे चला गया. जाएगा 60 18 2 स्क्वायरिंग बोथ साइड्स बेटा. दोनों साइड्स पे स्क्वायर कर दो. इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा. 4 स्क्वायर माइनस 576 आ जाएगा ना. और इस साइड 32 का स्क्वायर. देखो जब तक रूट नहीं खत्म होगा तब तक एक ही वैल्यू. दोनों साइड स्क्वायर. हाँ सर. 32 का सर. सर स्क्वायर किया तो रूट खत्म हो जाएगा ना. हाँ जी बेटा. 32 का स्क्वायर 1024. 4 स्क्वायर 1024 576 बेटा इस साइड आके क्या हो जाएगा. प्लस हो जाएगा ना. प्लस हो जाएगा. 4 स्क्वायर दोनों को ऐड किया 1600 आ गया. ए स्क्वायर 1600 4 मल्टीप्लाई कहाँ चला गया. नीचे अपॉन 4 400 आ गया बच्चे कट करके.
सर 400 अंडर रूट 400 हो जाएगा। कितनी वैल्यू होती है 400 की रूट की? सर 20 सेंटीमीटर। ए की वैल्यू आ गई बेटा, ये हमारे पास 20 आ गया, ये भी हमारे पास 20 आ गया। तीनों साइड अब हमारे पास हैं, तो हम पेरीमीटर निकाल सकते हैं ना? हाँ सर। 20 + 20 + 24 मींस AB प्लस AC प्लस BC, ऐड किया बेटा 64 सेंटीमीटर। 64 सेंटीमीटर आंसर। ओके यस सर। नाउ सेवन सम बच्चे, द गिवन फिगर शोज अ राइट एंगल ट्रायंगल। A, B, C, ये एंगल 90 है। यहां से बच्चे एक लाइन है, ये टोटल 16 है। द गिवन फिगर शोज अ राइट एंगल ट्रायंगल ABC एंड एन इक्विलेटरल ट्रायंगल BCD। जो BCD है वो इक्विलेटरल है और ये एक राइट एंगल है। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ये शेड है बेटा, इसका एरिया फाइंड करना है हमें। ये 16 दी है, ये 8 दी है। देखो ये नीचे इक्विलेटरल है ना, तो ये साइड भी 8, ये साइड भी 8 हो जाएगी। ए बी फाइंड कर सकते हो बच्चे? सर ए बी यस सर, पाइथागोरस थ्योरम से AC² - BC² AB as like, AC की वैल्यू 16 है, 16 का स्क्वायर 256, BC 8 है बेटा, 8 का स्क्वायर 64, AB स्क्वायर माइनस किया, 6 में से 2 गए, 4 गए 2, यहाँ 15 माइनस 6 9, 192 आ गए बेटा। यस सर, 192 आ गया। 192 के रफ वर्क में फैक्टर्स बना लो, टू पे जा रहा है बेटा। यस सर। 96, टू पे फिर 48, टू पे 24, टू पे 12, टू पे 6, टू पे 3, थ्री पे 1, 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम 2 बेटा। यस सर। 2 टाइम 1 टाइम 3, ए बी 2 2 2, पेयर में से बाहर आता है ना? यस सर, 3 टाइम्स पेयर में से बाहर आएगा। ए बी की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 8√3 सेंटीमीटर ये आ गई बेटा। अब शेडेड का एरिया निकालना है, कैसे निकालेंगे? बिगर एरिया में से ये ट्रायंगल का एरिया माइनस करके आएगा ना? यस सर। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी, एक मिनट बच्चे, किसी की कॉल आ रही है। यस सर।